अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट पर पेचन उसके चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ ईटा टीटी का जो 2022 में पेपर हुआ है वो आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर और जॉब क्रिटेरिया अलर्ट आप लोगों तक बर्बाद पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी कॉमेंट में पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूम चाहिए तो ज़रूर दिया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसी क्यों बैतुल रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरा। बैतुल रिजवान किस हिजरी में वाकई हुआ तो करेक्ट आंसर है 6th हिजरी में। अगर नेक्स्ट है इन सेकेंड माइग्रेशन हिजरत हबशा विच साहबी अलॉन्ग विद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दूसरी हबशा की तरफ हिजरत हुई थी कौन से साहबी थे तो करेक्ट आंसर है हजरत जाफिर तैयार। अगर नेक्स्ट है गज़वे तबूक इस फाउट अगेंस्ट जो गज़वे तबूक हुई थी किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी करेक्ट आंसर है रोमन्स के। अगर नेक्स्ट है अ मिलियन हैज डैश जीरोस एक मिलियन में कितने जीरो पाए जाते हैं तो करेक्ट आंसर है 6। अगर नेक्स्ट है द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन अंडर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आई थी किसके तहत तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। अगर नेक्स्ट है विच कंट्री इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979 में जो अफगानिस्तान से कौन सी कंट्री ने निकले थे तो करेक्ट आंसर है USSR ने। आगे नेक्स्ट है व्हाट वाज द मार्शल गिवन टू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाय अल्लाह जो था क्या कहते हैं कि मुइज़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कौन सा दिया था तो करेक्ट आंसर रिवाइविंग ऑफ डेथ जो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। आगे नेक्स्ट है तहलील मीन डिसेक्शन ऑफ जो तहलील होता है इसका मतलब है जो कलमे को पढ़ना जितने भी कलमे हैं उनको पढ़ना तहलील कहा जाता है। अगर नेक्स्ट है हाउ मेनी सूरा ऑफ होली कुरान स्टार्टेड विद द वर्ड कुल जो कुल से कुरान पाक में कितनी सूरतें स्टार्ट होती हैं तो करेक्ट आंसर है 5। अगर नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट वूमन आफ्टर हजरत खतीजा एम्ब्रेस्ड इस्लाम हजरत खतीजा के बाद कौन सी वूमेन ने इस्लाम कबूल किया था करेक्ट आंसर है हजरत लबाला बिनत हारिस। अगर नेक्स्ट है अगेंस्ट होम द मुस्लिम रूलर एंड द वडियर सलाउद्दीन अयूबी फॉर किसके अगेंस्ट जो सलाउद्दीन अयूबी थे लड़े थे तो करेक्ट आंसर है क्रुसेडर्स के। अगर नेक्स्ट है कवैत की रूस से वाह वाह क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है हरफे इंस बात। अगर नेक्स्ट है किबला बनू खजा किसके हलीफ थे तो करेक्ट आंसर है मुसलमानों के। अगर नेक्स्ट है इब्ने खल्दून ने कितने साल की उम्र में वफात पाई तो इसका करेक्ट आंसर है 76 साल की। अगर नेक्स्ट है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कितने साल की उम्र में वफात पाई तो इसका करेक्ट आंसर है 55 साल। अगर नेक्स्ट है क़यामत के दिन ज़्यादा नेकियों के बावजूद किसको जहन्नम में डाला जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है हुकूकुल इबाद को ज़ाया करने वाला। अगर नेक्स्ट है सूरत अल हमजा में है कि उस शख्स के लिए खराबी और हलाकत है तो उसका करेक्ट आंसर है जो माल जमा करता है। और नेक्स्ट है सच्चाई की राह दिखाती है तो सच्चाई जो है वो नेकी की राह दिखाती है। और नेक्स्ट है इस्लाम में हकूक की कितनी किस्में हैं तो करेक्ट आंसर है 2 किस्में हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह। और नेक्स्ट है अरकान रुकन की जमा है रुकन के मैनी क्या है तो उसका करेक्ट आंसर है लाजमी हिस्सा। अगर नेक्स्ट है किस खलीफा ने एक गरीब मुस्लिम बूढ़े को भीख मांगते हुए देखा तो उसे माफ़ कर दिया और उसका वजीफा मुकरर किया तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उमर ने देखा था। आगे नेक्स्ट है यहूदी सरदार इब्ने अख्ताब किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे तो करेक्ट आंसर है बनू नज़ीर से। आगे नेक्स्ट है हजरत मुकर्मा बिन अबी जहल किस जंग में शहीद हुई तो इसका करेक्ट आंसर है जंग यरमूक में। अगर नेक्स्ट है हजाज बिन यूसुफ का ताल्लुक किस कबीले से था तो करेक्ट आंसर है बनू सकीफ से था। अगर नेक्स्ट है अबू तालिब का इंतकाल शेब अबी तालिब के वाकये के कितने माह बाद हुआ जिसका करेक्ट आंसर है 6 माह बाद। अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज है और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को जरूर लाइक किया करें कमेंट में बताया करें कोई भी पास पेपर चाहिए अपनी राय देने के लिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ताकि उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे आपका और हमारा रब्ता रहेगा बरकरार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।